गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हम स्टडी कर रहे हैं कारा के बारे में। इसके प्राप्ति स्थान के बारे में हम पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। ये क्लास कारोफाइसी का सदस्य है, जिसमें कुछ विशिष्ट करेक्टर्स पाए जाते हैं जो इन्हें ब्रायोफाइट्स के समकक्ष ले जाते हैं। लेकिन इसके जो बेसिक स्ट्रक्चर और जो करेक्टर्स हैं वो शैवालों से मिलते जुलते हैं, इसलिए इसे शैवालों में ही सम्मिलित किया गया है। तो आज हम इसकी मुख्य लक्षण क्या है, कारा के प्लांट की मॉर्फोलॉजी कैसी दिखाई देती है, उसके बारे में जानकारी हासिल करेंगे। तो इस पिक्चर में हमें ग्रीन एल्गा कारा दिखाई दे रहा है। ये फ्रेश वाटर हैबिटेट में पाए जाने वाली शैवाल है। कुछ स्पीसीज जैसे कि कारा बाल्टिका, ये खारे पानी की जो सोर्सेज होते हैं वहां पर भी मिल सकती है। कारा का जो प्लांट है वो शाखित होता है, बहुकोशिकीय तंतुनुमा होता है, ये लार्ज होता है, बड़ा होता है, इसलिए हम इसे नेक्ड आई से भी देख सकते हैं, मैक्रोस्कोपिक होता है। जनरली इसकी जो हाइट होती है वो 20 to 30 सेंटीमीटर होती है, लेकिन कुछ स्पीसीज ऐसी भी हैं जो 90 सेंटीमीटर to 1 मीटर यानी 1 मीटर की लंबाई तक भी पाई जा सकती हैं। बाहर से देखने पर ये हमें इक्विसिटम की तरह दिखाई देता है। इक्विसिटम जो कि एक टेरिडोफाइट है, इसे हॉर्स टेल के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें पर्व और पर्व संधियों में तना बंटा रहता है। उसी तरह से कारा में जो मुख्य अक्ष है वो भी पर्व और पर्व संधियों में बंटा होता है, और इसलिए ये देखने में इक्विसिटम जैसा दिखाई देता है, इसलिए इसे एक्वेटिक हॉर्स टेल भी कहा जाता है। यह दो भागों में विभक्त होता है, एक तो मूलाभास और दूसरा मुख्य अक्ष। इसके प्लांट बॉडी को हम, जिसे हम थैलस कहते हैं, दो भागों में बांट सकते हैं, राइजोइड्स एंड मेन एक्सिस। आपको याद होगा कि थैलस हम ऐसे प्लांट बॉडी को कहते हैं जो वास्तविक जड़ तना पत्तियों में विभाजित नहीं होते, तो इनमें विभेदन नहीं मिलता, उसके जैसे स्ट्रक्चर मिल सकती हैं, लेकिन ये ट्रू रूट स्टेम एंड लीव्स नहीं पाई जाती, तब हम इसे थैलस कहते हैं। तो कारा का थैलस हम दो पार्ट्स में बांट सकते हैं। पहला तो राइजोइड्स या मूलाभास, मूलाभास मूल का आभास देने वाले, इन्हें मूलाभास या राइजोइड्स कहते हैं। तो मूल का जो काम है वही काम यहाँ राइजोइड्स करते हैं, और दूसरी कहलाती है मेन एक्सिस या मुख्य अक्ष। तो कारा के पादप को हम दो भागों में विभक्त कर सकते हैं, पहला तो मूलाभास और दूसरा मुख्य अक्ष। अब इस पिक्चर में हमें दिखाई दे रहा है, ये है मेन एक्सिस, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष यहाँ पर पर्व और पर्व संधियों में विभक्त है। ये पर्व संधि है, यहाँ फिर पर्व संधि, ये फिर पर्व संधि, तो इस तरह से पर्व संधियों में विभक्त है, और ये दो पर्व संधियों के बीच का स्थान पर्व या इंटरनोड कहलाता है। अब इस मेन एक्सिस पर दो तरह की शाखाएं हमें दिखाई दे रही हैं। ये तो हैं ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ या सीमित वृद्धि वाली शाखाएं, और ये जो ब्रांच निकल रही है ये है असीमित वृद्धि वाली शाखा। तो अब देखते हैं कि मेन एक्सिस और राइजोइड्स ये किस तरह के होते हैं। तो ये कारा का मेन प्लांट हमें दिखाई दे रहा है। ये इसकी निचली पर्व संधि से बहुत सारे मूलाभास निकले हुए हैं, मूल जैसी या रूट जैसी जैसा आभास दे रहे हैं, इसलिए इन्हें मूलाभास या राइजोइड्स कहते हैं। ये कहलाती है इसकी मेन एक्सिस, मुख्य अक्ष, मध्य वाली। इस मुख्य अक्ष पर ये हैं छोटी छोटी जो निकल रही हैं एक वर्ल के रूप में, गुच्छे के रूप में, ये हैं सीमित वृद्धि वाली शाखाएं। तो प्रत्येक पर्व संधि पर मुख्य अक्ष की हमें दिखाई दे रही हैं सीमित वृद्धि वाली शाखाएं। ये पर्व है दो पर्व संधियों के बीच का स्थान, और ये कहलाती है पर्व संधि। पर्व संधि पर ये है सीमित वृद्धि वाली शाखाएं छोटी छोटी। इन्हीं पर्व संधियों पर कहीं कहीं पर बीच में असीमित वृद्धि वाली शाखाएं भी निकलती हैं, ब्रांचेस ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ जिन्हें कहा जाता है। जैसे यहाँ पर ये ब्रांचेस ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ है, इसमें हमें ये असीमित वृद्धि वाली शाखा, यहाँ पर ये भी असीमित वृद्धि वाली शाखा दिखाई दे रही है। ये असीमित वृद्धि वाली शाखा भी पर्व और पर्व संधियों में विभक्त होती है मुख्य अक्ष की भांति। तो कारा के मुख्य पादप में हम दो भागों में हमने इसलिए बांट दिया, ये नीचे वाला पार्ट है ये तो कहलाते हैं राइजोइड्स, और ये कहलाती है मुख्य अक्ष। अब इस मुख्य अक्ष पर हमें दो तरह की शाखाएं दिख रही हैं, एक तो ये ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ,
ये सीमित रीढ़ वाली शाखाएं हैं जो मुख्य अक्ष पर भी पाई जाती हैं और इन असीमित रीढ़ वाली शाखाओं की परुसंधियों पर भी पाई जाती हैं। तो मुख्य अक्ष और असीमित रीढ़ वाली शाखाएं नोड्स एंड इंटरनोड्स में बंटी होती हैं, पर्व और परुसंधियों में बंटी होती हैं। इनकी परुसंधि पर दो तरह की शाखाएं उत्पन्न होती हैं, ये तो है ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ और ये कहलाती हैं ब्रांचेस ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ। अब ये ब्रांच ऑफ लिमिटेड ग्रोथ इसमें हमें दिखाई दे रही है, ये है सीमित रीढ़ वाली शाखा। यहाँ पर सीमित रीढ़ वाली शाखा भी नोड्स एंड इंटरनोड्स में बंटी होती है, ये परुसंधि है। परुसंधि पर इसमें हमें दिखाई दे सकते हैं सेक्स ऑर्गन्स जो कि ग्लोब्यूल और न्यूकूल के रूप में पाए जाते हैं। ग्लोब्यूल मेल सेक्स ऑर्गन और न्यूकूल फीमेल सेक्स ऑर्गन कहलाता है। तो सीमित रीढ़ वाली शाखाओं की परुसंधि पर हमें एक तो ये सेक्स ऑर्गन दिख रहे हैं, दूसरे ये कुछ छोटी छोटी लीव्स जैसी स्ट्रक्चर दिख रही हैं, इन्हें कहा जाता है लेटरल्स या फिर सेकेंडरी लेटरल्स, या ये कहलाती हैं स्टीप्यूलोड्स जिन्हें हम हिंदी में अनुपर्णक के नाम से जानते हैं। तो ये सीमित रीढ़ वाली शाखाएं हैं, उनकी परुसंधि है। परुसंधि पर हमें एक तो सेक्स ऑर्गन्स मिल रहे हैं, दूसरा हमें मिल रहे हैं अनुपर्णक या स्टिप्युलोड्स। डिटेल में देखते हैं इनको, ये फिर पिक्चर में हमें दिखाई दे रही है मेन एक्सिस, उससे हमें दिखाई दे रही है निकली हुई असीमित रीढ़ वाली शाखाएं मुख्य अक्ष पर और असीमित रीढ़ वाली शाखाओं की परसंधि से निकल रही हैं सीमित रीढ़ वाली शाखाएं। ये है एक सीमित रीढ़ वाली शाखा, यानी इसका ये जो एक भाग है ये हमें यहाँ दिखाई दे रहा है। इसमें ये परुसंधि है, ये फिर परुसंधि, परुसंधि जहाँ पर हमें सेक्स ऑर्गन्स दिखाई दे रहे हैं ग्लोब्यूल और न्यूकूल के रूप में। अब इस परुसंधि पर एक तो सेक्स ऑर्गन्स है, दूसरा ये हमें दिखाई दे रही है छोटी छोटी लीफ जैसे स्ट्रक्चर जिन्हें हम कहते हैं स्टिप्युलोड्स या अनुपर्णक। यहाँ इसी भाग को हम थोड़ा इलेबोरेट करते हैं, तो ये शाखाएं हमें दिखाई दे रही हैं प्राइमरी लेटरल्स या फिर ये जो सीमित रीढ़ वाली शाखाएं हैं, और इनके आधार भाग से बीच में पतली पतली स्ट्रक्चर हैं, इन्हें कहा जाता है सेकेंडरी लेटरल्स। तो ये तो हैं प्राथमिक पार्श्व और इनके आधार भाग से निकलते हैं सेकेंडरी लेटरल्स जिन्हें स्टिप्युलोड्स या अनुपर्णक कहा जाता है। ये अनुपर्णक संख्या में या तो उतने ही होते हैं जितने की सीमित रीढ़ वाली शाखाएं, तब एक ही चक्र पाया जाता है हैप्लोस्टेफनस कहलाते हैं, या फिर इनकी संख्या डबल हो सकती है जैसे ऊपर की तरफ भी निकले और नीचे की तरफ भी दिखाई दे रही है, दो चक्रों में हो सकते हैं, तब ये स्पीसीज कहलाती है डिप्लोस्टेफनस। तो ये स्टिप्युलोड्स संख्या में या तो सीमित रीढ़ वाली शाखाओं के बराबर ही होते हैं, इक्वल होते हैं, या फिर उनसे दुगने भी पाए जा सकते हैं। तो यहाँ हमें सेक्स ऑर्गन दिखाई दे रहे हैं न्यूकूल एंड ग्लोब्यूल, ये हैं स्टिप्युलोड्स, ये भी एक चक्र में स्थित होते हैं। तो अब हम बात करते हैं राइजोइड्स या मूलाभास की। हम कारा के प्लांट को दो भागों में बांट सकते हैं, एक तो मूलाभास और दूसरा मुख्य अक्ष। तो मूलाभास किस तरह के होते हैं, ये मूलाभास शाखित होते हैं, सेप्टेट होते हैं, शाखित होते हैं, एक पंक्तिक होते हैं, यानी इनमें एक ही सीरीज में सेल्स पाई जाती हैं, धागे नुमा होते हैं और बहुकोशिकीय होते हैं। तो इनमें सेप्टा पाए जाते हैं और ये सेप्टा ओब्लीक या तिरछे होते हैं, ये करैक्टर ब्रायोफाइटा में पाया जाता है। तो इनके मूलाभास शाखित होते हैं और तिरछे पट्टों वाले होते हैं जो कि ब्रायोफाइटा में मिलते हैं। तो इसका राइजोइड्स का भी एक करैक्टर इनको ब्रायोफाइटा के से सिमिलरिटी शो करता है। तो इनमें जो मूलाभास है, मूलाभास कहाँ से निकलते हैं, जो मेन एक्सिस है उसके सबसे निचले भाग से, परुसंधि से। ये मूलाभास शाखित होते हैं, इनमें पट पाए जाते हैं जो कि तिरछे होते हैं, ये यूनिसीरिएट या एक पंक्तिक होते हैं, धागे नुमा संरचना के रूप में पाए जाते हैं। बनते कहाँ से हैं, निकलते कहाँ से हैं, ये मेन एक्सिस के आधार भाग में एक राइजोइडल प्लेट पाई जाती है जो कि इन मूलाभासों की उत्पत्ति करती है। ओब्लिक सेप्टाइन में होते हैं, ये इनका एक इम्पोर्टेंट फीचर है। ये राइजोइड्स एपिकल ग्रोथ शो करते हैं, अग्रभाग से इनकी वृद्धि होती है।
राइजोट्स का काम क्या है? तो ये मूलाभास हैं, तो मूल के समान काम करते हैं। एक तो इनका मुख्य जो कार्य है वो है किसी भी आधार से प्लांट को चिपकाना, तो अटैचमेंट का काम करते हैं, कीचड़ में या सैंड पे वहां पर इस प्लांट को चिपकाने में मदद करते हैं। दूसरा, ये मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन करते हैं, तो एक्वेटिक तो होता ही है, वाटर में तो पाया ही जाता है, तो मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन का काम भी इन राइजोइड्स के द्वारा किया जाता है। तीसरा एक काम मुख्य, वो कायिक मल्टीप्लिकेशन है, कायिक जनन में ये भाग लेते हैं। इन मूलाभासों पर कई बार बल्ब जैसी स्ट्रक्चर बन जाती हैं जिन्हें बल्बिल्स कहते हैं, तो इनके द्वारा ये रिप्रोडक्शन का काम करते हैं, वेजिटेटिव या कायिक जनन का। दूसरा, कई बार इनमें सेकेंडरी प्रोटोनिमा भी उत्पन्न होते हैं। ये प्रोटोनिमा कारा के प्लांट में जायगोट से सबसे पहले, कारा विभाजन के बाद, मियोसिस के बाद जब इसका अंकुरण होता है, तब उससे पहले कारा का प्लांट नहीं बनता, बल्कि एक बीच की स्टेज आती है, फिलामेंटस स्टेज, जिसको कहा जाता है प्रोटोनिमा। ये प्रोटोनिमा भी ब्रायोफाइट्स में बनते हैं, लेकिन यहाँ कारा में देखे जा सकते हैं। तो कई बार इन प्राइमरी प्रोटोनिमा के साथ साथ सेकेंडरी प्रोटोनिमा की भी उत्पत्ति होती है। तो कारा के राइजोइड्स एक तो बल्बिल फॉर्मेशन के द्वारा, एक सेकेंडरी प्रोटोनिमा के फॉर्मेशन के द्वारा वेजिटेटिव मल्टीप्लीकेशन में भाग लेते हैं। तो मूलाभास या राइजोइड्स ये बनते कहाँ से हैं? ये राइजोइडल प्लेट से बनते हैं, मेन एक्सिस की जो सबसे नीचे आधार में स्थित होती है नोड या परसंधि, वहां से ये राइजोइडल प्लेट से विकसित होते हैं। ये यूनिसीरिएट हैं, एक पंक्तिक हैं, शाखित हो सकते हैं, यहाँ हमें शाखित दिखाई दे रहे हैं, धागे नुमा संरचना के रूप में पाए जाते हैं। इनका मुख्य काम क्या होता है? ये मूल या जड़ों की भांति खनिज लवणों का अवशोषण करते हैं, साथ ही किसी आधार से चिपकाने में भी मदद करते हैं, लेकिन इसके अलावा ये कायिक जनन में भी भाग लेते हैं, क्योंकि इन पर बल्ब जैसी स्ट्रक्चर बनती है जिन्हें बल्बिल कहते हैं, और ये कई बार सेकेंडरी प्रोटोनिमा का भी फॉर्मेशन करते हैं। तो ये तो बात थी ट्राइजोइड्स या मूलाभासों की, और अब हम बात करेंगे मुख्य अक्ष की। मेन एक्सिस यह है, इरेक्ट होती है, लॉन्ग ब्रांच्ड एंड डिफरेंशिएटेड इनटू नोड्स एंड इंटर नोड्स। तो मेन एक्सिस हम पिक्चर्स में देख चुके हैं कि ये उदग्र है, शाखित है, पर्व और पर्व संधियों में विभक्त होती है। अब इसकी जो पर्व है वो सिर्फ एक ही कोशिका से बनी होती है। यह कोशिका लॉन्ग और मल्टी न्यूक्लिएटेड सिलेंड्रिकल सेल होती है, लंबी होती है, ये बेलनाकार होती है और इसमें बहुत सारे केंद्रक पाए जाते हैं। अब कुछ स्पीसीज में इस इंटरनोडल सेल के चारों तरफ एक कोर्टेक्स का निर्माण हो जाता है, वन सेल थिक लेयर, एक कोशिकीय मोटी परत होती है, ये इस इंटरनोड या पर्व को घेरे रहती है, जिसे कोर्टेक्स कहा जाता है। जिन स्पीसीज में ये कोर्टेक्स पाई जाती है वो कोर्टिकेट स्पीसीज होती हैं। ये कोर्टेक्स का पाया जाना सभी स्पीसीज में आवश्यक नहीं है, जिनमें ये उपस्थित होती है वो कोर्टिकेट स्पीसीज होती हैं। तो ये कोर्टेक्स है क्या? इंटरनोडल सेल को जो पर्व की कोशिका है बाहर से एक कोशिकीय मोटी परत से घिरी रहती है, जिसे कहा जाता है कोर्टेक्स। कुछ स्पीसीज में एब्सेंट होती है कोर्टेक्स, तब हम उसे कहते हैं ई कोर्टिकेट स्पीसीज। तो इंटरनोडल सेल जो है वो एक ही सेल से मिलकर बना होता है इंटरनोड या पर्व, ये कोर्टेक्स के द्वारा घिरी हुई हो सकती है। जो पर्व संधि है वह एक पेयर से बनी होती है सेंट्रल सेल की। सेंट्रल सेल छोटी कोशिकाएं होती हैं, सेंट्रल सेल तो दो सेंट्रल सेल कह सकते हैं, या एक जोड़ी सेंट्रल सेल से ये मिलकर बनी होती है, जिन्हें 6 से 20 तक परिधीय कोशिकाएं घेरे रहती हैं। तो नोड इतनी सारी सेल से मिलकर बनाता है, इंटरनोड तो एक ही सेल से मिलकर बना था, पर संधि यहाँ पर दो तो इसमें सेंट्रल सेल्स हैं, उनको घेरते हुए 6 से 20 परिधीय कोशिकाएं पाई जाती हैं। ये सेंट्रल सेल और पेरिफेरल सेल्स ये सब किससे निकलती हैं? नोडल इनिशियल सेल। एक नोडल इनिशियल सेल होती है, वो विभाजित होकर के सेंट्रल सेल्स और पेरिफेरल सेल्स का निर्माण करती है। अब प्रत्येक पर्व संधि पर हम चार तरह के अपेंडिजेस या उपांग देख सकते हैं। तो मुख्य अक्ष पर्व और पर्व संधि में बंटी होती है, पर्व एक कोशिका से बना होता है, पर्व संधि
कई कोशिकाओं से सेंट्रल और पेरिफेरल सेल से मिलकर के बनी होती है। और अब इस पर्व संधि पर हमें चार तरह के अपेंडिसेस देखने को मिलते हैं, जिन्हें हम बांटते हैं ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ, सीमित वृद्धि वाली शाखाएं, ब्रांचेस ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ, असीमित वृद्धि वाली शाखाएं, स्टिप्युलोड्स या अनुपर्णक, कोर्टेक्स आदि। तो सबसे पहले हम लेते हैं ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ या सीमित वृद्धि वाली शाखाएं। नाम से स्पष्ट है सीमित वृद्धि है, तो ये शॉर्ट ब्रांचेस होती हैं, सीमित वृद्धि वाली होती हैं। इन्हें हम प्राइमरी लेटरल्स या लीव्स के नाम से भी जानते हैं। तो ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ को प्राइमरी लेटरल्स, प्राथमिक पार्श्व या पत्तियां भी कहा जाता है। पत्तियों के समान हमें दिखाई देती है मुख्य अक्ष पर, इसलिए इन्हें लीव्स भी कह सकते हैं, प्राइमरी लेटरल्स भी कह सकते हैं। इनकी वृद्धि सीमित होती है, ये छोटे साइज की होती हैं। ये लगभग 6 से 20 के गुच्छे में पर्व संधि पर निकलती हैं। पर्व संधि किस किस की? मुख्य अक्ष की, साथ ही असीमित वृद्धि वाली शाखाओं की। पिक्चर्स में हम देख चुके हैं इसे, मेन एक्सिस और असीमित वृद्धि वाली शाखाओं की पर्व संधियों पर गुच्छे के रूप में या वर्ल के रूप में सीमित वृद्धि वाली शाखाएं निकलती हैं। इनकी जो ग्रोथ होती है वो लगभग 5 से 15 पर्व संधियों और पर्व में विभेदित होती है, इसलिए इन्हें ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ कहा जाता है। तो सीमित वृद्धि वाली शाखाएं हैं, 5 से 15 पर्व संधियों और पर्व में विभक्त होती हैं। स्टिप्युलोड्स एंड रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, सेक्स ऑर्गन्स और अनुपर्णक, वो इन सीमित वृद्धि वाली शाखाओं पर देखे जा सकते हैं। तो पहला था सीमित वृद्धि वाली शाखाएं या ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ। नेक्स्ट है ब्रांचेस ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ, असीमित वृद्धि वाली शाखाएं। इन्हें हम लॉन्ग लेटरल्स भी कहते हैं, लॉन्ग ब्रांचेस भी कहते हैं, ये एक्सिलरी ब्रांचेस भी कहलाती हैं, क्योंकि ये सीमित वृद्धि वाली शाखाओं के कक्ष से निकलती हैं, इसलिए इन्हें एक्सिलरी ब्रांचेस भी कहा जाता है। These are differentiated into nodes and internodes. ये अनलिमिटेड वाली भी शाखाएं भी पर और पर संधियों में विभक्त होती हैं। इनकी पर संधि पर जो प्राइमरी लेटरल से या जिन्हें हम सीमित वृद्धि वाली शाखाएं कहते हैं वो उत्पन्न होती हैं। इनकी जो ग्रोथ है वो अनलिमिटेड या असीमित होती है, मेन एक्सिस की भांति, मुख्य अक्ष की भांति इनकी लंबाई निरंतर बढ़ती रहती है और इस तरह से प्लांट की ग्रोथ में वृद्धि करती हैं। तीसरे अपेंडिसेस या उपांग कहलाते हैं स्टिप्युलोड्स। ये जो छोटी छोटी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है पर संधि पर, ये हैं स्टिप्युलोड्स। ये तो है मेन एक्सिस, इस पर ये जो हमें दिखाई दे रहे हैं ये हैं प्राइमरी लेटरल्स या ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ, सीमित वृद्धि वाली शाखाएं। अब सीमित वृद्धि वाली शाखाओं के पास पर संधि पर छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स निकलती हैं जिन्हें हम अनुपर्णक कहते हैं। The basal node of branches of limited growth develops short, oval, pointed, single cell outgrowths called stipulodes. तो ये जो basal node है, सीमित वृद्धि वाली शाखाएं हैं, उनकी सबसे जो आधारीय पर्व संधि है, वहां से अनुपर्णक उत्पन्न होते हैं। अधिकतर स्पीसीज में, जैसे कि कारा, बर्मेनिका, जितने stipulodes होते हैं, वो primary laterals के double होते हैं। जितनी सीमित वृद्धि वाली शाखाएं हैं उनकी डबल ये अनुपर्णक पाए जाते हैं, तो ऐसे स्पीसीज कहलाती हैं बाई स्टिपुलेट। कुछ स्पीसीज ऐसी हैं जिनमें जितनी सीमित वृद्धि वाली शाखाएं हैं उतने ही अनुपर्णक निकलते हैं, इन्हें कहा जाता है यूनी स्टिपुलेट, यानी इक्वल है नंबर किस किस का, सीमित वृद्धि वाली शाखाओं को जिन्हें हम नाम दे रहे हैं यहाँ प्राइमरी लेटरल्स। सीमित वृद्धि वाली शाखाएं प्राइमरी लेटरल्स और अनुपर्णक को कह दिया जाता है सेकेंडरी लेटरल्स। तो यानी प्राइमरी लेटरल्स और सेकेंडरी लेटरल्स इनकी संख्या बराबर होती है, तब हम उसे कहते हैं यूनी स्टिपुलेट। यदि ये स्टिपुलेट्स एक ही वर्ल्ड में पाए जाते हों तब हम ऐसी स्पीसीज को कहते हैं हैप्लोस्टेफनस, और ये स्टिपुलेट्स यदि दो वर्ल्ड्स में या दो चक्र में पाए जाते हों तब हम इसे कहते हैं डिप्लोस्टेफनस स्पीसीज। तो ये प्रत्येक परसंधि पर एक चक्र हो सकता है स्टिपुलोड्स का, तब तो वो हैप्लोस्टेफनस कहलाती हैं। यदि दो चक्र में स्टिपुलोड्स उपस्थित हैं तब वो डिप्लोस्टेफनस कहलाते हैं। और यूनिस्ट
स्टिपुलेट और बाई स्टिपुलेट में क्या डिफरेंस है? यूनि स्टिपुलेट स्पीसीज जो हैं उनमें सीमित रद्दी वाली शाखाएं और अनुपर्णक संख्या में बराबर होते हैं। बाई स्टिपुलेट में इन अनुपर्णकों की संख्या सीमित रद्दी वाली शाखाओं से डबल होती है। ये हमें दिखाई दे रहे हैं स्टिप्यूल्स, ये सिंगल हैं, जितनी शाखाएं हैं उतनी ही स्टिप्यूल्स हमें दिखाई दे रहे हैं और ये एक चक्र में पाए जा रहे हैं। नेक्स्ट आता है इसका चौथा उपांग कोर्टेक्स। कोर्टेक्स कुछ स्पीसीज में प्रेजेंट होता है तो कुछ में एब्सेंट हो सकता है। यदि प्रेजेंट है तो वो स्पीसीज कोर्टिकेटेड स्पीसीज कहलाती हैं, यदि ये कोर्टेक्स एब्सेंट है तो उस स्थिति में हम इसे ई कोर्टिकेटेड स्पीसीज कहते हैं। बहुत सारी स्पीसीज जैसे कारा आस्पेरा, कारा इन्फर्मा, इनमें जो इंटरनोड होती है, पर्व होता है, वो कोर्टेक्स सेल्स के द्वारा घिरा रहता है। ये इनकी जो मुख्य अक्ष की इंटरनोडल सेल हैं, ये कहलाती हैं कोर्टिकेटेड स्पीसीज। कोर्टेक्स में इलोंगेटेड नैरो सेल्स पाई जाती हैं। यहाँ ध्यान देने योग्य बात ये है कि ये जो इंटरनोड कोर्टेक्स के द्वारा घिरी रहती है, तो इस इंटरनोड का आधा भाग तो ऊपरी पर्व संधि से निकले हुए जो कोर्टिकेटेड थ्रेड्स हैं उनसे घिरा रहता है और आधा भाग निचली पर्व संधि से निकलने वाले कोर्टिकेटेड थ्रेड से घिरा रहता है। इस तरह से पूरा पर्व दोनों पर्व संधियों, ऊपरी और निचली पर्व संधियों से निकलने वाले कोर्टिकेटेड थ्रेड से घिरा रहता है। ये मिलकर के उसके चारों तरफ कोर्टेक्स का फॉर्मेशन करते हैं, तो ये कहलाते हैं असेंडिंग एंड डिसेंडिंग फिलामेंट्स। ये मिडल में मिल जाते हैं इंटरनोड के और इस तरह से इसके चारों तरफ कोर्टेक्स का निर्माण करते हैं। कारा कोरेलाइना ऐसी स्पीसीज है जिसमें कोर्टेक्स नहीं पाया जाता है, ई कोर्टिकेटेड स्पीसीज कहलाती है। इस पिक्चर में हम देखते हैं ये है पर्व संधि और ये इसकी दूसरी पर्व संधि, तो इन दोनों के बीच का जो स्थान है वो कहलाता है इंटरनोड। ये एक पर्व संधि और ये दूसरी पर्व संधि। इस निचली पर्व संधि से असेंडिंग फिलामेंट्स निकल रहे हैं इस तरह से, ये फिलामेंट, और ये ऊपरी पर्व संधि से ये डिसेंडिंग फिलामेंट्स निकल रहे हैं। तो पर्व घिरा रहता है कोर्टेक्स के द्वारा। इस कोर्टेक्स का निर्माण कैसे होता है? इसका आधा भाग तो ऊपरी पर्व संधि से निकलने वाले कोर्टिकेटेड फिलामेंट से होता है, आधा भाग निचली पर्व संधि से निकलने वाले कोर्टिकेटेड थ्रेड्स के द्वारा घिरा रहता है। तो असेंडिंग और डिसेंडिंग फिलामेंट्स इस इंटरनोड के बीच में जाकर के ज्वाइंट हो जाते हैं और ये इसके चारों तरफ एक कोर्टेक्स का निर्माण कर लेते हैं। जैसे कि ये इंटरनोडल सेल है और ये इसके चारों तरफ कोर्टेक्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो ये चौथी तरह का उपांग कहलाता है कोर्टेक्स। तो चार तरह के अपेंडिसेस हमने इसमें देखे। मेन एक्सिस पर कारा की प्लांट को हम दो भागों में बांट सकते हैं, पहला तो मुख्य अक्ष और दूसरा राइजोड्स। मूलाभास जो होते हैं ये निचली पर्व संधि से राइजोडल प्लेट से निकलते हैं, इनमें तिरछे पट पाए जाते हैं जो कि एक इसका इम्पोर्टेंट करेक्टर होता है। ये मल्टी सेलुलर होते हैं, ध्यान रखना है यहाँ पर, ये मल्टी सेलुलर होते हैं, बहुकोशिकीय शाखित एक पंक्तिक होते हैं, तिरछे पट वाले होते हैं। इनका काम रूट्स की तरह एक तो जल खनिज लवणों का अवशोषण करना, साथ ही किसी आधार से चिपकाना, और तीसरा ये कायिक जनन में भी भाग लेते हैं। दूसरे भाग में हम बांटते हैं मुख्य अक्ष को। इस मुख्य अक्ष पर हमें चार तरह के अपेंडिसेस या उपांग दिखाई देते हैं। ब्रांचेस ऑफ लिमिटेड ग्रोथ, सीमित रद्दी वाली शाखाएं जिन्हें हम प्राइमरी लेटरल्स या प्राथमिक पार्श्व कहते हैं, ये लीव्स भी कहलाती हैं। दूसरे कहलाती है ब्रांचेस ऑफ अनलिमिटेड ग्रोथ, असीमित रद्दी वाली शाखाएं, इन्हें एक्सिलरी ब्रांचेस भी कहा जाता है, अक्षीय शाखाएं भी कहते हैं, क्योंकि ये मेन जो एक्सिस है उस पर सीमित रद्दी वाली शाखाओं की अक्ष से निकलती हैं। तीसरे उपांग कहलाते हैं स्टिपुलोड्स या अनुपर्णक, ये एक या दो चक्र में हो सकते हैं। और चौथी तरह का जो उपांग है वो कहलाता है कोर्टेक्स। तो चार तरह के उपांग हम मेन एक्सिस पर देख सकते हैं। तो ये थी कारा के प्लांट की संरचना। यहाँ हम देख सकते हैं ये मेन एक्सिस है, इससे ये असीमित रद्दी वाली शाखा निकल रही है। प्रत्येक मेन एक्सिस और असीमित रद्दी वाली शाखा की पर्व संधि पर हमें बहुत सारी सीमित रद्दी वाली शाखाएं दिखाई दे रही हैं। और अब ये सीमित रद्दी वाली शाखा, ये है सीमित रद्दी वाली शाखा, इस पर ये पर्व संधि पर हमें सेक्स ऑर्गन्स दिखाई दे रहे हैं। तो सीमित रद्दी वाली शाखा पर एक तो सेक्स ऑर्गन्स हैं, दूसरा ये जो सेकेंडरी लेटरल्स कह सकते हैं या स्टिपुलोड्स कह सकते हैं वो दिखाई दे रहे हैं।
तो आज हमने कारा की स्ट्रक्चर के बारे में जाना, मोर्फोलॉजी, हमें देखने पर, बाहर से देखने पर ये प्लांट किस तरह का दिखाई देता है, किन किन स्ट्रक्चर से मिलकर के बना होता है। दैट्स ऑल, थैंक यू।